देहरादून बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता की है, जिसमें उन्होंने मोदी है ना कार्यक्रम की रूपरेखा मीडिया के सामने रखी। मोदी है ना कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून में 24 दिसंबर को अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 25,000 से अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। इस दौरान कई वर्ग पदयात्रा भी निकालेंगे और इस यात्रा का उद्देश्य आने वाले चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सत्ता में लाना है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कई इलाकों से लोग इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, देहरादून से एक बहुत बड़े एक अभियान की शुरुआत हम 24 दिसंबर रविवार को करने जा रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा संख्या में हमारे युवा, महिलाएं, व्यापारी, विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन हमारे साथ एक पदयात्रा करेंगे, जिसमें मोदी है ना का एक संकल्प हम लेकर चलेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी हमें एक गारंटी देते हैं, एक सुरक्षा कवच उन्होंने दिया है, उन्होंने हमारा मान सम्मान केवल इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ाया है, तो उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड के विभिन्न वर्गों के लोग उस दिन मोदी है ना का एक संकल्प लेकर देहरादून की सड़कों पर निकलेंगे और एक संकल्प ये भी लेंगे कि आने वाले समय में उत्तराखंड जिस तरीके से मोदी जी पर लगातार विश्वास जताता आया है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, कोई 24 तारीख को प्रातः 10 बजे से एक बड़ी पदयात्रा अपने महानगर देहरादून से पूरे प्रदेश के लिए प्रारंभ होने जा रही है और वो उसके बाद पूरे देश के अंदर जाएगी। आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि 24 तारीख को एक उत्सव का माहौल अपने देहरादून में होने वाला है और युवाओं के साथ साथ विभिन्न वर्गों से लोग इसमें प्रतिभाग करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी महिलाएं इसमें रहने वाली हैं, बड़ी संख्याओं में विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग इसमें रहने वाले हैं। और यदि लक्ष्य की बात करूं या व्रत की बात करूं तो वहां कहीं ना कहीं